तो सबसे पहला टॉपिक है एफएएस सिस्टम। तो एफएएस सिस्टम किसको बोलते हैं? देख, स्मोक डिटेक्टर, ही डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, बीम दो तीन टाइप के डिटेक्टर, डिटेक्टर होते हैं, बराबर है। ये डिटेक्टर प्लस हूटर प्लस स्पीकर, स्पीकर स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर नहीं, स्पीकर स्पीकर हूटर हो, ये स्प्रिंकलर कंबाइन भी है, हूटर और स्पीकर कंबाइन भी आता है नॉन कन्वेंशनल वाले में। आगे बताते हो सुनते जाते हैं, ठीक है ना। ओके एमसीपी, और उसके बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर, हाँ, उसके बाद अपना पैनल, ये सब पावर जो पैनल, एफ कॉम्बिनेशन मिलता है उसको बोलते हैं एफएएस सिस्टम। सिस्टम, ओके, हाँ। अब इसका काम क्या है? तो शोले पिक्चर तूने देखा है? पूरा नहीं, शोले मूवी देखी है? नहीं पूरी नहीं देखी। हाँ, तो थोड़ा देखा होगा। उसमें एक केक है, रामलाल। हाँ रामलाल क्या करता है, जब भी गांव में डाकू वगैरह आते हैं तो खबर को खबर देता है। तो ये एफएएस सिस्टम भी वही है। जब भी हमारे प्रिमाइसेस में आग वगैरह लगती है तो प्रिमाइसेस में हम लोग हैं ठाकुर, ये हम लोग को खबर देगा कि प्रिमाइसेस में आग लग गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका बेसिक काम यही है, हमको इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करना, कि आग लग गई है, ठीक है ना। यस, अब फायर पैनल, फायर पैनल जो होता है दो प्रकार का आता है, एक होता है एड्रेसेबल और और एक होता होता है है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ठीक है ना। अब इसकी पहचान कैसे होगी, कन्वेंशनल कौन सा एड्रेसेबल है? तो इसका एक तो लुक है वैसा है, और इसका डिस्प्ले से, कन्वेंशनल का जो डिस्प्ले होता है वो होता है एनालॉग, और एड्रेसेबल का जो डिस्प्ले होता है वो होता है डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में फर्क मालूम है क्या होता है? एनालॉग डिजिटल यस। क्या फर्क होता है? डिजिटल बोले तो मतलब सब अपना क्या बोलते हैं, गाड़ी चलाया है ना, बाइक चलाया है, जैसे पुराने हाँ है मेरे पास, उसमें बाइक में डिजिटल जो मीटर है, स्पीडोमीटर लगा वो कौन सा है? एनालॉग है, वहां पे एनालॉग, नंबर्स लिखे हुए हैं। और अभी जो डिजिटल आ रहे हैं वाला, बाइक, उसमें कैसा था? डिजिटल आ रहा है, मतलब क्लियरली नंबर मेंशन रहता है, बराबर है यस ना। तो दो तरह के अपना फायर पैनल होता है, एक एड्रेसेबल और कन्वेंशनल, ठीक है ना। एड्रेसेबल ये मॉडर्न वाला है, ये नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और कन्वेंशनल है ओल्ड टेक्नोलॉजी है। कन्वेंशनल जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब जहाँ छोटी छोटी जगह है ना, ये ऑफिस हो गया, घर हो गया, या फिर एक दो रूम ऐसा है, वहाँ छोटी जगहों के लिए सबसे अच्छा है। और कैसा है? कॉस्टली भी नहीं, सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि इतने छोटे एरिया में आग को फाइंड करना बड़ा आसान है। जैसे तेरे बेडरूम में आग लगी है और तेरा घर है 1 BHK का, 1 BHK में तूने कन्वेंशन सिस्टम लगा लिया और कहीं आग लगी। आवाज, हेलो हेलो, हाँ, मैंने म्यूट किया है। ओके, तो रिस्पांस देते रहना मेरे को। तो हाँ आग लगेगी तो तेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया को चल के कवर करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर यही मान लो, ये पूरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ये हम लोगों ने कन्वेंशन सिस्टम लगा के रखा हुआ है, तो हमारे को सिर्फ इतना मालूम पड़ने वाला है आग कहाँ लगी है, पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मालूम पड़ती, बराबर है। तो बड़ी जगह रहेगी, ठीक है, तो वहां पे एड्रेसेबल सिस्टम लगाते हैं, छोटी जगह रहेगी तो वहां पे कन्वेंशनल सिस्टम लगाते हैं। अब ये डिपेंड करता है सिक्योरिटी का बजट किसका कैसा है, उसके हिसाब से भी लगाते हैं। जैसे अगर SRA की बिल्डिंग्स वगैरह देखेगा तो बिल्डिंग्स काफी बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन वहां पे कन्वेंशनल सिस्टम लगा देते हैं। तो बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, एड्रेसेबल सिस्टम लगाना। एड्रेसेबल, एड्रेसेबल लगाने से क्या होता है, हमको पिन पॉइंट पिन लोकेशन पॉइंट मालूम लोकेशन पड़ता है। पता चलता है। जैसे आग लग गई तो वहां पे एड्रेसेबल सिस्टम के डिस्प्ले में लिख के आएगा कैंटीन एरिया में आग लगी है, तो वी आर वेरी क्लियर कि हमारा कैंटीन एरिया है कहाँ पे और हमको कहाँ पे जाना है, बराबर है ना। अगर यही हमने कन्वेंशनल इंस्टॉल किया होता तो क्या होता है कि आपके 5th फ्लोर पे आग लग गई है, और 5th फ्लोर तो काफी बड़ा है, कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग की कहाँ पे आग लगी है, बराबर वो है ना। जोन बताता है खाली, हाँ, तो केवल ये जोनिंग में रहता है, जोनिंग हो जाता है, तो जोन में आकर पूरा सर्च करना पड़ता है। तो एड्रेसेबल यस वाले में हमारा रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है, और कन्वेंशनल वाले में एज कम्पेयर टू एड्रेसेबल हमारा रिस्पॉन्स स्लो रहता है, ठीक है ना। चाहे एड्रेसेबल हो चाहे कन्वेंशनल हो, हमारे काम के इसमें दो ही बटन है, एक होता है साइलेंट बटन और एक होता है रीसेट बटन, बराबर है। तो जब भी हमारे यस प्रिमाइसेस में कभी अलार्म रेज होगा, अब वो रेज होने के कुछ वजह है, एक टेक्निकल एरर हो जाता है कभी कभी, ठीक है, यस टेक्निकल एरर की वजह से अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। कभी कभी होता है उसमें डस्ट अकोमुलेशन हो जाता है, बहुत डस्ट टाइम से पार्टिकल की वजह हाँ से हो काफी टाइम जाता मेंटेन नहीं किया है तो डस्ट की वजह से हो जाता है। कभी कभी कैंटीन एरिया का जो फायर ये डिटेक्टर है वो भी एक्टिव हो जाता है। क्यों? चावल बनाया, उसका भाप निकल के वहां पे लग गया, क्या होगा, यस
अलार्म एक्टिवेट हो गया, तो ऐसी कुछ हो जाता है जिसकी वजह से अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। तो जब भी हमारे प्रमाइसेस में अलार्म एक्टिवेट हो, चाहे कन्वेंशनल लगा हो या फिर एड्रेसेबल लगा हो, हमारा काम क्या है, साइलेंट बटन दबाने का और जाके वो जो जगह पे पैनल में दिखाया हुआ है वो पैनल में वो जगह जाके चेक करने का एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, ठीक है ना। और जाके चेक करने के बाद अगर वो मतलब नॉर्मल है, टेक्निकल एरर वजह से आया, तो इलेक्ट्रिशियन या फिर अगर हमारे यहाँ पे कोई मतलब फायर टेक्नीशियन वगैरह रिक्रूट किया है तो उसको बुलाने का, वो क्लीन करेगा और फिर वापस उसको रिसेट कर देना है हमारा काम बस है। अच्छा, एड्रेसेबल वाले में हमको पासवर्ड इसके यूज थ्रू रिसेट करना पड़ता है और पासवर्ड के थ्रू हमको साइलेंट भी करना पड़ता है, मतलब साइलेंट बटन दबाया आपको पासवर्ड वहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। कन्वेंशनल वाले में ऐसा कुछ नहीं रहता है, सीधा आप बटन दबाइए साइलेंट तो साइलेंट हो गया, रिसेट दबाया तो रिसेट हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो अभी तक क्या है, एफएस सिस्टम और डिफरेंट काइंड ऑफ फायर पैनल हम लोगों ने सीखा। एड्रेसेबल सबसे मॉडर्न है, कन्वेंशनल हमारा जूना है। एड्रेसेबल लार्ज एरिया के लिए अच्छा है, कन्वेंशनल छोटे एरिया के लिए अच्छा है, लेकिन जिनका सिक्योरिटी बजट छोटा है वो कन्वेंशनल भी लगाते हैं, बराबर है। एड्रेसेबल हमारा मॉडर्न है लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है, महंगा सिस्टम है काफी ज्यादा। ओके ओके, और कौन सा टॉपिक चुने दिया हुआ है, और एक एड्रेसेबल में हमको पिन पॉइंट लोकेशन पता चलती है, हमारा पिन पॉइंट लोकेशन क्या है, और कन्वेंशनल में हमको सिर्फ वो एरिया ही जोन पता चलता है कि जोन में, तो फिर हमारा काम क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और हाउ टू यूज फायर पैनल, तो हाउ टू यूज फायर पैनल ये प्रैक्टिकल डेमो है, तो मैं अभी संडे को जाने वाला हूँ, तू चैम्बूर में रहता है ना, हाँ, तो मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, तो प्रैक्टिकली मुझे वहाँ पे कन्वेंशनल फायर सिस्टम लगा हुआ है, पैनल लगा हुआ है, तो मैं तुझे वहाँ वीडियो बना के रिकॉर्ड कर, तुमको शेयर कर दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये से यहाँ पे बताना तो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी हमारे काम का उसमें दो ही बटन होता है, साइलेंट और रिसेट। जब भी फायर एक्टिवेट होगा तो साइलेंट दबाना है, अगर एड्रेसेबल है तो पासवर्ड रिसेट करना है, पासवर्ड वही उसके जस्ट नीचे ही लिखा होता है, ठीक है ना। रिसेट करना है तो रिसेट बटन दबाना है, पासवर्ड इंटर करना है, आपका पैनल रिसेट हो जाएगा। कन्वेंशनल में क्या होता है, कन्वेंशनल में सीधा हमको साइलेंट बटन दबाना है, हमारा जो अलार्म है वो साइलेंट हो जाएगा, और रिसेट दबा दोगे तो डायरेक्ट रिसेट हो जाएगा, उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। और आपका है हाउ टू वर्क पैनल, फायर पैनल, फायर पैनल काम कैसे करता है। अच्छा, फायर पैनल काम करने के लिए स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, ये डिटेक्टर लगाते हैं हमारे प्रिमाइसेस में, तो स्मोक डिटेक्टर जब भी स्मोक डिटेक्ट करेगा, हीट डिटेक्टर जब भी हीट डिटेक्ट करेगा, या बीम डिटेक्टर जब भी बीम डिटेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, मैसेज भेजता है पैनल के पास, तो पैनल क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है आपके हूटर को कि प्रोसेस में कहीं आग लग गई है। तो यही बेसिक फंक्शनलिटी इनका है, हूटर मैसेज करता है पैनल को और पैनल क्या करता है, अलार्म रेज कर देता है। तो उसके बाद जो काम होता है वो हमारा फायर टेक्नीशियन या फिर सिक्योरिटी का होता है, अलार्म को जाके बंद करना। अब अलार्म बंद क्यों करते हैं हम लोग, ताकि प्रीमाइसेस में भगदड़ वगैरह नहीं मच जाए। बहुत टाइम तक अलार्म अगर बजता रहेगा तो क्या होगा, लोग डर सकते हैं, लोग हाँ भगदड़ मच सकती है हमारे प्रीमाइसेस में। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत अलार्म साइलेंट कर देते हैं। एड्रेसेबल में साइलेंट दबाना है प्लस पासवर्ड, कन्वेंशनल में डायरेक्टली आपको साइलेंट बटन प्रेस कर देना है, ठीक है ना। तो ये इसका मेथड है काम करने का। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन बहुत सिंपल है। जब भी देखो कैसा होता है, हमारे प्रीमाइसेस में जब भी आग लगती है तो तीन कंडीशन हमारे पास आते हैं, या तो हम आग बुझाए, या तो हम बचाव मतलब बचाव कार्य शुरू करें जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवैक्यूएशन, या फिर हम भाग जाए, ठीक है ना। तो कब आग बुझानी है, तो आग हम लोग तब बुझाते हैं जब आग छोटी होती है, जब कंट्रोल फायर लगती है। और आग इवैक्यूएशन कब करते हैं, जब वही फायर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, मतलब जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बाकी रिसोर्सेज से हम लोग कवर अप नहीं कर सकते, वो टाइम पे हमको इवैक्यूएशन करना पड़ता है। अब इवैक्यूएशन में क्या करेंगे, जैसे ही हमको फायर अनकंट्रोल हो गई है, तुरंत हमारा काम क्या है, क्यूआरटी एक्टिवेट कर देना। हर प्रीमाइसेस में एक क्यूआरटी टीम बनाई जाती है, हाउसकीपिंग को मिलाकर, इम्प्लॉयज़ को मिलाकर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को मिलाकर, ऐसे सब लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग जाती है, बेसिक फायर ट्रेनिंग जाती है, और ऐसी टीम बनाई जाती है। तो जैसे ही क्यूआरटी एक्टिवेट करोगे तो ये सारे लोग को उनका फंक्शन पता होता है कि क्या किसको क्या करना है, बराबर। क्यूआरटी एक्टिवेट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, सारे जो भी फायर एग्जिट डोर्स है, ठीक है ना, वहाँ पर सभी जो सपोर्टिव है हमारे, नॉर्मली हाउसकीपिंग जो होता है वो सपोर्टिव रोल में होते हैं, ये क्या करता है, सभी को डायरेक्शन देता है कि कैसे आपको असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है, जाना है। अपना वार्डन और अपना सिक्योरिटी टीम ये क्या करता है, सारे फ्लोर को चेक करता है,
और किसी को असिस्टेंट चाहिए तो असिस्टेंट भी देता है, जैसे कोई हैंडीकैप वगैरह है, किसी को चोट वगैरह लग गई है तो उनको वो एविकुएट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। जैसे पूरा फ्लोर वगैरह खाली हो जाएगा तो सिक्योरिटी और फायर वार्डन का काम है, इफ पॉसिबल, हाँ अगर पॉसिबल है तो पूरे फ्लोर को चेक करना एक बार। क्या क्या चेक करेंगे, मीटिंग रूम, वॉशरूम, कैंटीन, ऐसे एरिया जहाँ पे कोई अंदर फंसा हो सकता है, जाके एक बार वापस हम लोग चेक करेंगे। कोई बैठा तो नहीं है, कोई मतलब किसी ने कान में एयरफोन लगाया हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि लोग चिल्ला रहे क्या कर रहे हैं, अपनी दुनिया में खोया हुआ। कोई वॉशरूम में बैठा हुआ है टॉयलेट सीट पे और अपने बाबू सोना से कान लगा के एकदम चैटिंग किए जा रहे हैं, तो उसको बाहर की दुनिया से पूरा बेखबर है, बेखबर है वो। तो ऐसे आदमियों को ढूंढ आने के लिए हम लोग को पूरा फ्लोर रीचेक करना पड़ता है, लेकिन ये कंडीशन है। अगर पॉसिबल है तो आपकी जान को खतरा है तो हम फिर वहां पे नहीं जाएंगे दोबारा, ठीक है ना। इसमें देखो कैसा होता है कि इवैक्यूएशन के दौरान हमारा पर्पस क्या होता है कि हम लोग हमारे से जितने भी ये इम्प्लॉयज है और बाकी जितने भी लोग हैं, विजिटर, वेंडर, कॉन्ट्रेक्टर है, सबको असेंबली पॉइंट एरिया में लेके आना, हाँ लेके आना, ठीक है ना। लेकिन कैसा होता है, अगर मान लीजिए फ्लोर बहुत ऊंची बिल्डिंग है, जैसे आप लोग वहाँ पे बीकेसी में एक बिल्डिंग है, वन बीकेसी, तो मतलब 19-20 माले की बिल्डिंग है लगभग, ठीक है ना। तो उतने बड़े बड़े फ्लोर से मतलब 19 माले से 20 माले से सबके लिए पॉसिबल नहीं है नीचे उतर के आना स्टेयर केज का इस्तेमाल करके, रफेज में लेके जाएंगे। बराबर है ना। तो अभी ऐसा क्यों कि भाई उसमें सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, उसमें हैंडीकेप लोग हो सकते हैं, उसमें गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं, कोई इंजर्ड हो सकता है, कोई सीरियस इंजर्ड हो सकता है, बराबर है ना। और यस हो सकता है कुछ फंक्शन वगैरह हो, लोग अपने बच्चों के साथ भी आए हों, तो भाई ऐसे लोग कैपेबल नहीं होते कि वो 19 फ्लोर से उतर के स्टेयर केज का इस्तेमाल करके असेंबली पॉइंट में आएंगे। तो उनके लिए यस बिल्डिंग के अंदर ही रिफ्यूजी एरिया बनाया रेफ्रिजरेटर जाता होता है। रिफ्यूजी एरिया क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर ही आप समझ लो उसको असेंबली पॉइंट है। इस यस फ्लोर पे को कम्प्लीटली खाली रखते हैं, यहाँ पे कोई भी स्टोरेज वगैरह नहीं किया जाता है, यह आइडियल स्टैंडर्ड बोलता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता है। रिफ्यूज एरिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पार्टी करते हैं, वहाँ पे दुनिया भर के ऑब्वियसली स्टोर वगैरह यस सब बना देते हैं, लेकिन आइडियली ऐसा करना नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है ना। तो रिफ्यूज एरिया में इनको ठहराना है, बाद में जो अपना फायर टीम आएगा, फायर ब्रिगेड आएगा, उनको लैडर की मदद से वहां से रेस्क्यू कर लेगा। और हमारा काम ये भी है कि अगर हम लोग ऐसे कोई लोगों को ठहरा रहे रिफ्यूजी एरिया में, तो उसमें एक एक्सपर्ट बंदा, क्यूआरटी टीम का एक बंदा उनके साथ में वहां पे रहेगा, ताकि उनको आत्मविश्वास रहे, मन में कि हमारे भरोसा साथ रहे कोई कि तो है। हाँ कि भाई हमको अकेले नहीं है, कोई एक्सपर्ट हमारे साथ है। अगर हम उनको छोड़ के चले जाएंगे, वो अकेले वहां पे रहेंगे तो घबराएंगे, तो वो कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं घबरा के। तो यस अगर कोई एक्सपर्ट उनके साथ में रहेगा तो वो कोई भी गलत कदम वगैरह नहीं उठाएंगे। तो स्टेप क्या है इवैक्यूएशन का, सबसे पहले क्यूआरटी एक्टिवेट करनी है, सेम टाइम पे अपने सीनियर को भी इस बात की हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना। सारे एम्प्लॉयज को क्या करना है, फायर एग्जिट डोर के फायर रूम एग्जिट डोर के पे, वहां असेंबली पे हाँ असेंबली पॉइंट की एक तरफ पे हम लोग क्या करना है, उनको लेके जाना है, ठीक है ना। फिर जैसे ही हम फ्लोर वगैरह खाली हो जाएगा, इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो, हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, तो फ्लोर हम लोग एक बार रीचेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे, मीटर, मीटिंग रूम, मीटर रूम रूम, एयर हैंडलिंग यूनिट, जितने भी बंद रूम है जहाँ पे हार्डली कोई जाता है, वॉशरूम वगैरह है, तो वहाँ सब जगह पे हम लोग वहाँ सब जाके चेक करेंगे अगर पॉसिबल है तो। इवैक्यूएशन के दौरान जितने भी सीनियर सिटीजन है, गर्भवती महिलाएं हैं, कोई इंजर्ड है, कोई सीरियस इंजर्ड है, ठीक है ना, तो फिर बच्चे हैं, कोई अस्थमिक पेशेंट है, कोई जिसको मतलब दिल का कोई मरीज वगैरह है, जिसको पेसमेकर लगा हुआ है, किसी को सीरियस मतलब सर्जरी वगैरह हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे प्रमाइसिस में है, तो उसको स्टेयर केज के माध्यम से हम लोग रिफ्यूजी एरिया में लेके जाएंगे, ठीक है ना। यस और उसके साथ में एक व्यक्ति हमारा क्यूरिटी टीम का डिप्लॉय कर देंगे, ताकि उनके मन में धीर बना रहे, सांत्वना रहे कि हमारे साथ कोई एक्सपर्ट है, ताकि वो कोई गलत कदम वगैरह नहीं उठाए। नॉर्मली क्या होता है, जब आग लग जाती है तो लोग अगर कुछ नहीं कर पाते तो बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं, लेकिन यस मूर्ख लोग को इतना पता नहीं कि यहाँ से तो कोई चांस ही नहीं है बचने का। अगर मान लो आप स्विमिंग पूल में भी गिरोगे, तो पानी के ऊपर अगर गिरना मतलब कंक्रीट के ऊपर गिरना है, ऑब्वियसली बराबर है ना। अगर आप फ्लैट गिरते हो तो मतलब वो कंक्रीट के ऊपर ही आप गिरे, तभी भी आपकी जान जाने वाली। तो इस तरह की कोई गलत हरकत वगैरह नहीं करे, इसलिए हम लोग वहाँ पे एक एक्सपर्ट अपने टीम में से एक व्यक्ति को वहाँ पे ठहरा देना है। नीचे आएंगे तो असेंबली पॉइंट में हम लोग का अपना हेड काउंट करना है, हमारा जो अटेंडेंस रजिस्टर होगा उसके माध्यम से। सब फायर वार्डन के अंदर एक पर्टिकुलर टीम रहती है, जैसे 25 लोगों पे एक फायर वार्डन होना चाहिए, ठीक है ना। तो
तो हर यस फायर वार्डन अपना अपना टीम को काउंट करेगा, अगर कोई कम वगैरह है उसमें रह गया है तो फायर टीम जो है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो क्या करेंगे उनको जाके फिर से चेक करेंगे वो लोग है या निकल गए हैं, ठीक है ना। सबसे लास्ट में जो व्यक्ति मतलब इवैक्यूएट किया जाता है, लास्ट में जो व्यक्ति आता है उसका हम लोग क्या करते हैं टाइम लिख काउंट करते लेते हैं, हैं, उसका ताकि हम लोग को मालूम पड़े नोट कर लेते हैं। इवैक्यूएशन शुरू कब का हुआ और खत्म का हुआ है। जब हेड काउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं। अब उसमें एक चीज और आती है कि जब हम लोग असेंबली पॉइंट में लेके लोगों को लेके आते हैं तो हर हादसे का सबके अलग अलग असर पड़ता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं। शायद हो सकता है किसी ने जलते हुए किसी को देख लिया हो, जल भूल गया हो इसके सामने, तो उसकी मानसिक दशा वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुछ लोग मतलब इवैक्यूएशन के दौरान चोटिल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया फर्स्ट एड जाता देना है, होता है। और कुछ लोगों को बहुत सीरियस हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये जब असेंबली पॉइंट में लोग सब गैदर होंगे तो हेड काउंट के बाद, ठीक है ना, हेड काउंट के पैरेलल ही साथ साथ ही सब ऑपरेशन चलता रहेगा कि सबको जिसको फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट है उनको फर्स्ट एड देंगे, जिसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और जिसको मतलब हॉस्पिटलाइज करना है तो वहीं से व्यवस्था की जाएगी कि लोग हॉस्पिटलाइज हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद जब एक बार पूरा फायर टीम कार को पूरी तरह से कंप्लीटली कंट्रोल कर लेगी और जब वो सेफ उसको डिक्लेयर करेगी, उसके बाद ही फिर हम लोग उस क्राइसिस में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक वो सेफ जोन डिक्लेयर नहीं होता, सारी चीजें पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक हम लोग उस प्रमाइसिस में री एंटर नहीं कर सकते। तो ये है आपका इवैक्यूएशन मेथड। ओके, अब ओके इसमें कुछ सवाल है तो पूछो। पहला सवाल ये है कि क्यूआरटी टीम कैसे सिलेक्ट करती है और इसको निर्देश कौन देते हैं और एज ए एसओ या सुपरवाइजर क्या रोल है इस टीम के अगेंस्ट। अच्छा, तो क्यूआरटी टीम कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्यूआरटी टीम में कैसा होता है, जो प्रिमाइसेस के लोग होते हैं ना, उन्हीं सारे लोग को। अब जैसे कौन रहेगा, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी टीम, इसको बोलते हैं कोर फायर फाइटर, मतलब ये फ्रंट लाइन है, वॉरियर है लोग, मतलब जब भी कोई इमरजेंसी वगैरह होगा तो ये फ्रंट में होंगे, ये डील करेंगे, ठीक है ना। उनके सपोर्ट में ही हाउसकीपिंग टीम, जैसे सपोर्ट के लिए उनको लगे हुए ना, मतलब अगर यस मतलब आग आग वगैरह बुझा रहे हैं तो फायर यस हाइड्रेंट वगैरह उनको पकड़ने के लिए सपोर्ट के लिए कोई यस व्यक्ति यस चाहिए, रेस्क्यू करने के लिए डायरेक्शन के लिए व्यक्ति चाहिए होते हैं, तो हाउसकीपिंग से कुछ लोग को लेते हैं, कुछ लोगों को इम्प्लॉयज को लेते हैं, जैसे उनके मैनेजर हो जाएंगे, उनके टीएल हो जाएंगे, उनके कोच हो जाएंगे। तो प्रिमाइसेस के ही कुछ लोगों को ऐसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट को लोग लेकर एक क्यूआरटी टीम बनाई जाती है। इनको बेसिक फायर ट्रेनिंग दे देते हैं, जैसे व्हाट इज फायर, फायर कैसे लगती है, आग को बुझाने का मेथड क्या है, आग लगी तो कब बुझाना है, कब इवेकुएट करना है और कब स्केप करना है, ये सारी चीजों बारे इनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम किसी भी प्रिमाइसेस में क्यूआरटी टीम सेलेक्ट करते हैं। और एज एसओ आपका काम है, आप क्वार्टरली बेसिस पे 6 मंथ में इन सारे इम्प्लॉयज को आपके प्रिमाइसेस के बारे में, ठीक है ना, फायर एग्जिट डोर्स के बारे में, फायर इक्विपमेंट्स के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, ये सारे के बारे में उनको अवेयर कराते रहो, आपका काम यही है, ताकि कभी कोई ऐसी सिचुएशन अगर आए तो कैसा होगा, अगर लोग खुद की सुरक्षा कर पाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब सभी जो इम्प्लॉयज है ट्रेन है, बराबर है, वो ट्रेन है, उनको पता है कि हमको इस प्रीमाइसिस इस फायर एग्जिट से निकल कर हमको असेंबली पॉइंट कहाँ पे हमें कहाँ जाना है, तो आपका काम आसान हो जाता है। बस आपको पीए सिस्टम में अनाउंस करना है ये इमरजेंसी है, कृपया नियरेस्ट फायर एग्जिट डोर का इस्तेमाल करके असेंबली पॉइंट की तरफ जाए। तो जाए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इम्प्लॉय को पहले ही ट्रेनिंग वगैरह दे दिया, तो जी सारे इम्प्लॉय बिना किसी एफर्ट के ही क्या करेंगे, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करेंगे और चले जाएंगे असेंबली पॉइंट की तरफ। तो ये मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे आपके भी यहाँ प्रीमाइसेस में पॉसिबल होता है, सारे लोगों की ट्रेनिंग करना जरूरी है, ये आपका एसओ एज ए एसओ आपका। और इससे क्या करोगे, आप प्रिवेंट कर पाओगे फ्यूचर को, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वगैरह आती है, जबकि लोग ट्रेन है तो आपका काम आसान है, और इस तरह की कोई इमरजेंसी आएगी तो बहुत आसानी से लोग डील कर पाएंगे। दो कैसा, जब लोग ट्रेंड होते हैं ना तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब यस लोग अनट्रेंड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ट्रेनिंग के बाद। जैसे आप सांप आपने कभी पकड़ा है, नहीं सांप अगर देखो तो क्या आप डर जाओगे, बराबर है, तुरंत भाग के अगर घर में आ गए तो घर छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन एक स्नैक कैचर जो होता है वो क्या होता है, उसके सामने सांप आए चाहे कुछ भी आए, वो उसको पूंछ से पकड़ेगा उठा के,
बाल्टी में रेस्क्यू भरेगा, करेगा। झोले में भरेगा, उसको ले जाके छोड़ देगा बाहर जंगल वगैरह। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है ट्रेंड है, उसको भी मालूम है कि सांप एक इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी मुझे कैसे इसको डील करना है। वो ट्रेंड था इसलिए उसने रिस्पॉन्ड किया, आप अनट्रेंड थे इसलिए आप घर से भाग गए, बराबर है ना। तो हम लोग जब अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर देते हैं तो क्या करते हैं, उनको सिखा देते हैं कि उस इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। तो यस एज एस हमारा ये भी काम है कि हम लोग सबको रिएक्शन से रिस्पॉन्ड पे शिफ्ट करें। और कोई सवाल? रेस डू एंड रेस डोंट, मेथड सॉरी, रेस मेथड रेस, यही आपको मैंने बताया, जो फायर अलार्म जो रेस करते हैं वही, जो मैंने ये क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स बताए ना पॉइंट वाइज, वही रेस मेथड है। रेस्क्यू अलार्म कंटेन। डू एंड डोंट्स में बता देता हूँ आपको, इवैक्यूएशन में क्या डू एंड डोंट्स करने हैं। तो इवैक्यूएशन में क्या ध्यान रखना है, कभी भी हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। यस आपके पास जब प्रिमाइसेस में बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है, धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, इवैक्यूएशन में तकलीफ आ रही है, तो आप क्या कीजिए, अपने पास जो भी हैंडकरचीफ है उसको गीला कर लीजिए, ठीक है ना। यस यस और क्या यस कीजिए, उसको अपने नाक पे बांध लीजिए, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना चार पैरों पे चलते हैं, पैरों और हाथों का इस्तेमाल करके, उस तरह से आपको पैरों का इस्तेमाल करके नियरेस्ट फायर डोर से एग्जिट करना है। क्यों, क्या होता है, धुआं ऊपर उठता है और ऊपर नीचे जगह उठता। खाली रहती है हमारे पास, तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। और जब भी धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा हो तो नीचे झुककर रुमाल बांध कर चले, और जब हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं तो दीवार की साइड से इवैक्यूएट करें, क्योंकि जो फायर टीम आती है उनको चढ़ना पड़ता है और हमको उतरना पड़ता है, तो चढ़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू उतरना, वो उतरना। रेलिंग पकड़ के चढ़ सके, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग दीवार के साइड से जाए और एक लाइन में क्यू में जाना है, ये नहीं कैसे भी जाएंगे या बहुत लेफ्ट जल्द साइड से बताएंगे, उतरना है। एक क्यू में जाना है। और सीरियसली सबको, फिर मजाक मस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है, सीरियसली सबको जाके क्या करना है, असेंबली पॉइंट में, असेंबली पॉइंट पे लेके जाना। उसमें वार्डन रहेंगे, वो भी भूमिका निभाएंगे उनको लीड करने में, ठीक है ना। मतलब क्योरिटी रहेगी वहां पे निर्देश के लिए। हाँ, क्यूआरटी टीम सब लोग मिलके इसमें काम करते हैं, एक आदमी का काम नहीं है ये। यस और ऑब्वियसली कभी कभी किसी कंडीशन में हमको भागना भी पड़ जाता है। अब जैसे यस मान लीजिए आप एक ऐसी स्थिति में है, मतलब आपके यहाँ सर्वर में ब्लास्ट होने लगा एकदम, मतलब अब तो मौका ही नहीं है ना कुछ, नहीं। अब तो जब ब्लास्ट हो गया, मतलब कंटिन्यू ब्लास्ट होते जा रहा है हमारे यहाँ पे किसी भी वजह से, या भूकंप वगैरह आ रहा है, तो वो टाइम पे क्या होता है, ये हमारे पास समय नहीं होता कि हम सबको बचाए। तो वहां पर ऐसी कुछ स्थितियां होती है जहां पर ये सारी नियम को फॉलो ना करते हमको क्या अपनी जान बचाने के लिए। मान लिया आप एक सिलेंडर कंपनी में कर रहे हैं, गैस सिलेंडर कंपनी में काम कर रहे हैं, बराबर है, गैस लीकेज हुई और ब्लास्ट होना शुरू हो गया। अब आप ये नहीं करोगे कि आप जाके फायर अलार्म रेस करोगे, सबको रेस्क्यू करोगे, भाड़ में आए सब लोग, क्या करेंगे, अपनी जान बचाना है। तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी जो होती है उसका सबसे पहला काम क्या होता है, अपनी सुरक्षा करना, उसके बाद लोगों की सुरक्षा करना। अगर हम सुरक्षित नहीं है तो पहले हम खुद को सुरक्षित करेंगे, बाद में लोगों को सुरक्षित करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन यस कंडीशन हमारे पास रहती है जब भी हम लोग हमारे प्रिमाइसेस में आग लगे, कंट्रोल्ड है तो आग को बुझाना है, अनकंट्रोल्ड है तो इवैक्यूएट करना है, एक्सट्रीमली हाईली हाई कंट्रोल अनकंट्रोल्ड है तो तुरंत स्केप हो जाना है वहां से। स्केप होने का मतलब भाग जाना नहीं है, स्केप होने का मतलब है खतरे वाली जगह से अपने आप को सुरक्षित करना, सुरक्षित करना और सुरक्षित वहां दूरी पे बनाना। इमरजेंसी टीम एक्चुअल को में हम इन्फॉर्म करना। भाग ही रहे हैं लेकिन जब हम बताएंगे इंटरव्यू वगैरह में, तो स्केप का मतलब क्या है, खतरे वाली जगह से अपने आप को सुरक्षित दूरी बनाना। ओके, यस और कोई सवाल? सिक्योरिटी टीम मतलब क्लाइंट की तरफ से होती है या एजेंसी की तरफ से। इसमें सब लोग, इसमें क्लाइंट है एजेंसी की तरफ से नहीं, इसमें कैसा होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ और एम्प्लॉय सब लोग इसमें मिलके बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ओके कोई एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो प्रिमाइसेस में होना ही चाहिए, क्योंकि कौन फिर, अब हम लोग बाहर से अगर मतलब मान ली कंपनी बाहर से ये लोग को हायर करती है तो एक्स्ट्रा मंथली उनको देना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली और फायर यस साल में कभी लगेगी नहीं लगेगी, नहीं लगी तो भी ये तो इंश्योरेंस की तरह हमारा बेकार का खर्चा हो गया, बराबर है। तो इसलिए इंटरनल लोग को ही ट्रेनिंग देते हैं, उसमें फायदा क्या होता है, कंपनी का कॉस्ट बच जाता है और जो पर पर्सन जो हमारे प्रिमाइसेस में सब लोग ट्रेंड हो जाते हैं, तो हम लोग का ज्यादा एफर्ट वगैरह इमरजेंसी के दौरान लगाना नहीं पड़ता है, सब लोग अवेयर है किसको क्या करना है, कैसी जान बचानी है, तो हमको जस्ट अनाउंस करना पड़ता है और सारे लोग बड़ी आसानी से अपनी जान और दूसरों की जान भी बचा लेते हैं। सिक्योरिटी टीम
जो है इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि सिर्फ इम्प्लॉय रहेंगे, परमानेंट इम्प्लॉय रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं रहेंगे, उसमें सब लोग होते हैं, क्योंकि फायर एजुकेशन एक मतलब एजुकेशन जो है वो सबके लिए है, सबके लिए है। किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं, जान तो सबकी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लॉय वो भी इंसान है और जो परमानेंट इम्प्लॉय वो भी इंसान है। ओके यस। और ये आर्डर आपने फायर पैनल का कुछ पीडीएफ है क्या आपके पास? फायर पैनल का पीडीएफ ठीक है मैं दे दूंगा। और कुछ वो? और अपना ये मॉक ड्रिल का मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था। अच्छा मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल क्या होता है? देखिए मॉक का मतलब होता है अभ्यास, सॉरी नहीं नहीं मतलब... वो थ्योरेटिकली मुझे पता है, हाँ आपके वीडियोस में मैंने देखा है, बट वो मुझे प्रैक्टिकली देखना है एक बार। अभी तो मॉक ड्रिल कभी है नहीं, कभी अगर ट्रेनिंग वगैरह मेरा रहेगा तेरे साइड में तो मैं दिखा दूंगा करके। ठीक है वो मॉक ड्रिल का यहाँ पे एक मॉक ड्रिल करवाया था वेस्ट साइड में, ठीक है ना? अच्छा कितने घंटे का रहता है वो? घंटे का रहता है, अब जैसे अभी क्लास तूने जितना सवाल करते जाएगा उतने टाइम बढ़ते जाएंगे, कुछ सेशन का टाइम नहीं रहता है। अच्छा नहीं नहीं लेकिन वो पूरा मैं जब चार्ज करता हूँ ना तो मैं 2 आवर्स के लिए चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं सामने वाला कुछ सवाल करेगा कितना लंबे पूछेगा तो मिनिमम 2 आवर्स लग जाएगा। मैं 2 घंटे का चार्ज करता हूँ जब मैं किसी का ये फायर ड्रिल वगैरह कहीं कराने जाता, मॉक ड्रिल कराने जाता हूँ, ठीक है ना? लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 2 घंटे में ही सब होगा, कभी कभी 3 दिन, कुछ लोग बहुत क्यूरियस होते हैं तब वो सवाल कर रहे हैं तो वहां मैं खड़ा हूँ तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऐसा मैं घड़ी देख के नहीं बोल सकता हूँ कि यार ये तो 2 घंटे का पैसा लिया है। नहीं नहीं वैसा नहीं, वो जो पूरा प्रोसेस रहता है वो पूरा इन डिटेल बताने के लिए वैसा मिनिमम टाइम, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ऐसा मिनिमम कौन ऐसा होता है ना, कहीं कहीं ये बहुत फॉर्मेलिटी होती है, कहीं कहीं हमको बोल देते हैं कि बस सही हमको ऐसा ऑडिट में दिखाना है तो थोड़ा सा बेसिक जो हमारे स्पेसिफिक साइट के हिसाब से हमारा करा दो, तो कहीं कहीं हम लोग आधे घंटे में ही निपटा देते हैं। अब कुछ क्लाइंट होते हैं इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, अच्छी तरह लेते हैं, खुद भी एजुकेट होना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉय को भी एजुकेट करना चाहते हैं, तो वहाँ टाइम लग जाता है, ठीक है ना? तो ऐसा कोई टाइम वगैरह नहीं इस पे है, और ये कोई सवाल भी करेगा नहीं कितना घंटे का सेशन होता है, तो सेशन तो ऐसा भाई है आप जितना पूछते जाओ हम आपको बोलते जाएंगे बताते जाएंगे। अभी जैसे ये सेशन है, अगर मैं सब कुछ बोलूँ तो कुछ कुछ क्वेश्चन ही नहीं करे तो फिर सेशन कितना है? जो मुझे बोलने में टाइम लगे उतना ही सेशन, अब तू क्वेश्चन करते जाएगा तो सेशन टाइम बढ़ते जाएगा, इसलिए स्पेसिफिक कोई टाइम वगैरह नहीं होता है। चार्ज जो हम लोग करते हैं मॉक ड्रिल का या फायर ड्रिल का, ठीक है ना, तो हम लोग 2 घंटे का चार्ज करते हैं, क्योंकि मिनिमम इतना टाइम हम लोग को लगता ही है सारे कॉन्सेप्ट कवर करने, जैसे फायर क्या है, फायर कैसे लगती है, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास होते हैं, कॉर्पोरेट में कौन से रखे जाते हैं, किसको कैसे चलाना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक है ना? अच्छा अगर अभी आधे घंटे का सेशन है तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं क्या करूंगा सिंपल सा फायर के बारे में बता दूंगा, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, ठीक है ना? तो कंट्रोल है तो बुझाना है, अनकंट्रोल्ड है तो इवैक्यूएट करना है, और एक्सट्रीमली अनकंट्रोल्ड एस्केप करना है। फिर एक फायर एक्सटिंग्विशर लूंगा, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी बता दूंगा, प्रिकॉशन बता दूंगा, हो गया फायर, समझा? ओके सब क्लाइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? मुझे वो फायर पे अपना एड्रेसेबल का और कन्वेंशनल का थोड़ा पीडीएफ भेज देना। ओके हो जाएगा डन। अभी नहीं, तो मैं अभी बाहर हूँ, ठीक है ना, तो मैं कल भेजता हूँ। ठीक है चलेगा। और हाइड्रेंट का अभी करना है क्या? किसका? हाइड्रेंट के बारे में? हाइड्रेंट का अलग से ले लेंगे। ठीक है चलेगा। ओके सब एक दिन में करेंगे, तो फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर क्लास स्टार्ट करते हैं ना तो क्वेश्चन से भी स्टार्ट करते, तो कोई इश्यू नहीं है। हम यहाँ भी अभी लास्ट सेशन हम लोग जिस दिन लेंगे ना सेशन बड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग सब समराइज करेंगे, और तेरे कुछ क्वेश्चन वगैरह है ना तो हाँ, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेंगे तो लिख के रख, तो हम लोग 20 दिन पूरा समराइज करेंगे एक दिन ना, वो सेशन 2-3 घंटे जाएगा मुझे लगता है, अगर तू सवाल करेगा तो 2-3 घंटे जाएंगे, तो एक दिन में हम लोग पूरा सेशन एक समराइज करके कवर कर लेंगे, और जितने भी सवाल वगैरह सेशन के दौरान दिमाग में आए हैं सब आंसर करेंगे, ठीक है ना? चलेगा चलेगा। ओके ओके थैंक यू। ओके गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।